एक दोपहर देव को उसके कमरे में किसी ने मार दिया था, उसकी हत्या कर दी थी। और मामले की जांच करने के लिए जाने माने डायरेक्टर मेहुल को बुलाया जाता है। अब ध्यान से देखिए, देव को मार दिया गया और जासूस मेहुल जांच की तहकीकात के लिए वहां पर आया हुआ है। और कुछ वहां पे काम करने वाले चार लोगों पर मेहुल को शक होता है और शक के बिना पर जासूस मेहुल सबसे लगातार पूछताछ चालू कर देता है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि नौकरानी से मेहुल पूछताछ करने लगा, तो नौकरानी बोलती है, मैं सुबह से बर्तन और लिविंग रूम को साफ करने में लगी हुई थी, मुझे लगता है कि माली ने ऐसा किया होगा। ये देखो, वहाँ तो नौकरानी ने सारा इल्जाम माली पर लगा दिया। फिर मेहुल वहाँ पर काम करने वाले कुक से पूछता है, तो कुक बोलता है, मैं दोपहर को भोजन तैयार कर रहा था, मुझे लगता है कि नौकरानी उसकी हत्या कर सकती है। ओहो, इसका मतलब समझ रहे हो, कुक भी अपनी जान बचा रहा है, कुक ने भी नौकरानी पे अब हत्या का इल्ज़ाम लगा दिया। उसके बाद फिर मेहुल सीधा माली के पास जाता है, तो माली बोलता है, मैं सुबह से बगीचे में काम कर रहा था, मुझे लगता है कि ये काम कुक ने किया। यहाँ जासूस मेहुल ये सब सोच के सोचने लगता है, यहाँ तो सबको एक दूसरे पे नाम लगाने में लगा पड़ा है, यहाँ तो किसी का तालमेल भी नहीं बैठ रहा और केस की गुत्थी सुलट भी नहीं रही है। फिर जासूस मेहुल अपने लास्ट जिस पर शक होता है, चार संदिग्धों में से लास्ट वाले बंदे के पास जाता है जो वहाँ का मैकेनिक होता है। तो मैकेनिक बोलता है कि देव आज काम पर नहीं गए थे क्योंकि उनकी कार शुरू ही नहीं हो रही थी, मैं कार को ठीक कर रहा था। पर सारे सबके सब अपनी जान बचा रहे थे और डिटेक्टिव मेहुल कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर खून किया किसने। तो डिटेक्टिव मेहुल तो समझ जाता है कि खून किसने किया। तो डिटेक्टिव मेहुल आपसे ये पूछता है कि आप इनके बयानों को देखते हुए क्या हत्यारे की पहचान कर सकते हैं। तो अब तो कोई ज़्यादा तो आपके पास चार ऑप्शन है, नौकरानी, खाना पकाने वाला, माली और मैकेनिक। तो आप अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आपको हम जो उम्मीद है कि ये पहेली आपको अच्छी लग रही होगी, यदि आपको समझ में नहीं आई तो आप इस पहेली को रिटर्न देख सकते हैं। पहेली बहुत साफ है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, आपको पहेली सीधे सीधे समझ में आ जाएगी। ठीक, बस आपको इनके बयानों को सुनना है कि नौकरानी क्या कह रही है, कुक क्या कह रहा है, मालिक क्या कह रहा है, मैकेनिक क्या कह रहा है, क्योंकि पहली का जवाब इनकी बातों में ही है। बस मुझे ये देखना है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं और इसकी पहली को पकड़ सकते हैं कि नहीं। तो आपके पास पहली का जवाब देने के लिए इस बार भी मात्र ज़्यादा नहीं, टोटल 8 सेकंड का समय है, जो कि वो स्लोली 8 सेकंड चलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इसका जवाब तक बच्चा भी दे सकता है, तो इसका जवाब आप क्यों नहीं दे सकते। तो आइए पहली का जवाब जानते हैं। तो पहली का जवाब जानने से पहले आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना होगा। तो जवाब देने के लिए समय स्टार्ट करते हैं अब। हाँ तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने अपना कमेंट बॉक्स में दे दिया। तो आइए फटाफट जल्द से जल्द इस पहेली की गुत्थी को सुलटाते हैं। तो पहेली का जवाब जानते हैं। तो पहेली का जवाब जानने से पहले आप काउंट करते हैं 1 से लेकर 3 तक, 1 2 3। तो पहेली का जवाब है माली, क्योंकि यह माली था
यदि वो सुबह से बगीचे में काम कर रहा था तो उसके कपड़े और दस्ताने इतने साफ कैसे हो सकते? तो मैंने कहा था ना, पहले का जवाब उसकी बातों में है और उसके कपड़ों में, आपको सिर्फ समझना होता है। तो खूनी माली कहा था ना, बच्चे का बच्चा भी जवाब दे देगा इसके पहली का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पहली अच्छी लगी। तो हमारी इस पहली को पसंद करते हुए आप हमारी पहली को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं दोस्तों।